सीएम गहलोत ने जयपुर के आगरा रोड पर खानिया की बावड़ी के जीर्णोद्वार कार्य से इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना को लॉन्च किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि ये योजना हर वर्ग के लिए है, हर कोई इस योजना का लाभ ले सकता है। ये योजना सभी राज्यों से श्रेष्ठ है। कार्यक्रम में सीएम ने एक और बड़ा ऐलान किया। सीएम ने कहा कि सरकार के प्रशासन शहरों और गांवों के संग अभियान के तहत कच्ची बस्तियों का नियमन किया जाएगा। कच्ची बस्तियों को लेकर कई बार वाद विवाद भी होता है, तो मैं कहना चाहूंगा कच्ची बस्तियों में जाके कोई बसता है, कुछ लोगों को छोड़ दीजिए तो दलाली करते होंगे, प्लॉट कब्जे कर लेते, बेच देते होंगे, बहुत इक्के दुक्के लोग होते हैं, परंतु बाकी लोग जो है मजबूरी में जाके कच्ची बस्ती में बसते हैं, बिना बिजली, बिना पानी, बिना सड़कें, ना स्कूल है, ना अस्पताल है। पर कांग्रेस की नीति रही है, हमेशा हम लोग एक डेट फिक्स करते हैं, अभी भी हमने डेट फिक्स कर दी, सरकार आने के बाद में भी जो हमने फैसले किए हैं उस पर अहम फैसला है, कच्ची बस्ती जो बढ़ गई है उसको हमने नियमन करेंगे। अब आप कल्पना कीजिए कि केरल में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, झारखंड, हिमाचल प्रदेश में है, वहाँ छोटे मोटे रूप में काम चलता था, हमने सब जगह से उसकी मंगाई, उसकी स्टडी करी, सबका निचोड़ लेकर के उससे बेहतर योजना कैसे बन सकती है वो दारीवारी ने बनाई है। आप छोड़ सकते हो हमारी सोच किस तरह की है, आप कल्पना कर सकते हैं। इस रूप में ये योजना लागू हो रही है और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे तमाम प्रशासनिक अधिकारी स्थानीय निकाय के वो संवेदनशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेह को आत्मसात करते हुए इस स्कीम को लागू करवाएंगे। मेन बात है कि कोई भी परिवार, मिडिल क्लास हो, लोअर मिडिल क्लास हो, गरीब परिवार हो, कभी आज तक मजदूरी नहीं भी करी है, मजदूरी नहीं है ये, समाज सुधार के काम भी है, पर्यावरण के काम भी इसके अंदर है। अभी वक्त नहीं कि मैं आपको पढ़ के सुनाऊं, पर आपको अच्छा लगेगा अगर आप जानकारी प्राप्त करेंगे तो, इतनी अच्छी स्कीम बनाई गई है, इसमें सब तरह के काम है, मरम्मत के काम भी है, हॉर्टिकल्चर के काम भी है, गार्डन को मेंटेन करने के काम भी है, पर्यावरण के काम भी है, सब तरह के काम। ये बावड़ी का काम है, 15-20 लाख रुपए सरकार लगाएगी और बावड़ी एक प्रकार से टूरिज्म के लिए भी एक केंद्र बन जाएगी, टूरिस्ट के लिए उनका ही केंद्र। तो कहने का मतलब ये है इतनी शानदार योजना आपके सामने प्रस्तुत की गई है, इसका लाभ नरेगा में मिला है,